हेलो गाइस, वेलकम टू माय टुडेज व्लॉग। एंड थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा, आज का व्लॉग है मिनिमम सैलरी इन दुबई। जी हाँ, एंड ये व्लॉग स्टार्ट हुआ था 2 मंथ्स पहले, एंड वो 2 महीने क्यों लगे पूरा करने में वो आपको आगे पता लगेगा वीडियो में। ये व्लॉग स्पेशली उनके लिए है जो किसी मजबूरी की वजह से अपनी स्टडीज कंप्लीट नहीं कर पाए। वो कोई भी रीज़न हो सकता है, फाइनेंशियल इशू या घर की मजबूरी की वजह से जल्दी काम करना शुरू करना पड़ा या पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। सो ये स्पेशली उनके लिए है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, ऑलरेडी 2 महीने चल रहा है, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहली चीज़, ये व्लॉग 2 महीने पहले बनना स्टार्ट हो चुका था, कुछ पार्ट बन गया था, और इसको बनते बनते 2 मंथ्स लगे, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट सम पर्टिकुलर पीपल टू बी इन माई व्लॉग। वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा मैं क्यों उन लोगों को व्लॉग में लाना चाहती थी। आप आगे आगे जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो मिनिमम सैलरी इन दुबई पे ये व्लॉग बन रहा है, जिसके लिए मुझे कुछ लोगों को वीडियो में लाना ज़रूरी था, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस से आपको बता पाएँ कि वो कैसे आके सेटल हुए हैं। एंड मैं एक स्लिप लेके हमेशा घूमती थी, जो जो मुझे उनसे पूछना था वो मैंने इसमें लिखा हुआ था, ताकि जब भी वो मुझे मिले और मैं इजीली शूट कर पाऊँ। तो ये स्लिप ने मुझे बहुत हेल्प की है, जो मैं हमेशा फ़ोन के कवर के पीछे रख के घूमती थी, और जैसे भी पॉसिबल हो पाया शूट तो मैंने वो किया। एंड अब जिन लोगों को मैं चाहती थी व्लॉग में लाना, सो वो फाइनली कम्प्लीट हो गया है। तो सबसे पहले जो भैया व्लॉग में आए वो थे जिन्होंने हमारा सोफ़ा रिपेयर किया था। सो मिलते हैं उनसे। सो गाइस, ये भैया आए हुए हैं हमारा सोफ़ा रिपेयर करने, जो कि हो चुका है। ये देखिए, फर्स्ट क्लास इन्होंने रिपेयर कर दिया है। थोड़ी सी गद्दियों की प्रॉब्लम आ रही थी, वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो अब इनसे पूछते हैं, भैया सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। वारिस। वारिस, ओके। आप कहाँ से हैं भैया? इंडिया, जिला उन्नाव। लखनऊ से? लखनऊ से। ओके, आपको कितना टाइम हो गया दुबई में? हम 2016 में आए थे। 2016 में आए थे, तो ऑलमोस्ट 6 साल हो गए। 6 साल से ज्यादा। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है दुबई। दुबई अच्छा लग रहा है? दुबई सारा दिन काम में ही बिजी रहते होगे? पूरा टोटल बिजी है हम लोग, काम कर्टन्स का, सोफा का। अच्छा, तो गाइज ये सोफा और कर्टन का काम करते हैं, बनाते भी हैं, रिपेयर भी करते हैं, और डाइनिंग टेबल, चेयर्स, वॉलपेपर, कारपेट, वॉलपेपर। ओके, वॉलपेपर है आपके पास? जी जी। ठीक है, मुझे दिवाली पे लगवाना होगा तो मैं चूज कर लूंगी, है ना। टोटल फ्लोरिंग कारपेट भी है। फ्लोरिंग कारपेट भी है, और वुडन फ्लोरिंग भी करते हैं? वुडन फ्लोरिंग, रोलर ब्लाइंड्स ऑफिस का। अच्छा, ये सारा करते हैं? मतलब पूरा कर्टन्स का लाइन में जितना है पूरा काम। ओके ओके, हैंडलूम का सारा काम, है ना। ठीक है, तो मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, जो आपकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं लोगों को ये बताना चाह रही हूँ मिनिमम सैलरी इन दुबई। कुछ लोग ऐसे हैं भैया जो किसी ना किसी रीज़न की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, चाहे फाइनेंशियल इशू या उनका पढ़ाई में मन नहीं था, किसी वजह से वो नहीं कर पाए। तो आप कितना पढ़ पाए हैं अपनी लाइफ में? मैं 5 तक गया। 5 तक गए हैं? ओके, तो बहुत अच्छी बात है, जितना कर लो उतना अच्छा है। और अब आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे लोगों को ये वीडियो के थ्रू, अगर वो पढ़ाई नहीं पूरी कर पाए तो उनको यहाँ आना चाहिए कि नहीं, और क्या सीख के आना चाहिए? आना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई काम जरूर होना चाहिए। अगर सीख के आए, कुछ कुछ काम सीख के आना चाहिए। अगर नहीं सीखे भी, यहाँ भी आके सीख सकते हैं, सीख सकते हैं लोगों के साथ में जैसा व्यवहार करेंगे, कोई भी कंपनी में अच्छे से काम सीख सकते हैं। तो गाइस, ये भैया की तरफ से आपको यही एडवाइस है? यही काम सीखे। अच्छा, यही सीखे हैं आप? यही सीख के, यही। बहुत अच्छी बात है, अपना काम स्टार्ट किया अभी तो। ओके ओके ओके, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। सो गाइस, ये एडवाइस भैया की तरफ से है कि आप कुछ प्लान कर रहे हैं, अगर आपको वहाँ पे उस हिसाब से इनकम नहीं हो रही है, अगर आप बाहर आके सेटल होना चाहते हैं, तो कुछ सीख के आए, नहीं तो यहाँ पे आके सीख सकते हैं। काम सीख के भी, इसमें काम सीख के 3,000 से 2,500 कंपनी पे करता है। अच्छा, तो गाइस ये भैया की साइड से, ये अगर आप ये वाला काम करते हैं सोफे का या कर्टन्स का, तो इसमें कितना मंथली अर्न कर सकते हैं वो? सैलरी का कंपनी का, जो कंपनी के हिसाब से है, जैसे कंपनी के हिसाब से आपका डीलिंग हो जाए 2,000-3,000, काम के ऊपर डिपेंड करता है, अपना काम है जितना आप कर सकते हैं। तो ये आपका अपना काम है, मतलब आप खुद से ही कितना अर्न कर सकते हैं या आप सैलरी बेसिस में है? नहीं, मैं अपना पर्सनल अपना ही कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जितना काम आपको मिलता है उस हिसाब से आप 6,000-8,000 तो जाते ही आराम से। चलो, बहुत अच्छा, टचवुड इससे और आगे आपकी तरक्की हो और इससे और ज्यादा कमाएं। एंड गाइस, मैं इनका कार्ड नीचे डाल दूंगी, अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कोई एडवाइस अगर आप देना चाहें किसी को जो यहाँ के काम करना चाह रहे हैं बट आ नहीं पा रहे हैं, आना चाहते हैं वो, बट बिल्कुल आए, बिल्कुल आए ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सेफ है, इंडिया के पास में है,
सही है हाँ। और इंडिया से ताल्लुकात भी अच्छे हैं हम लोगों के साथ। सही बात है। चलिए थैंक यू और ये काम के लिए, और थैंक यू वीडियो में आने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू भैया। हाँ जी, तो ये है वो वेजिटेबल शॉप जिनका शूट पेंडिंग था और ये भैया ने 2 महीने लगवा दिए। मेरा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है पर बन नहीं पा रहा है क्योंकि ये जनाब ने बाल कटवा लिए थे, तो कह रहे थे जब तक मेरे बाल नहीं आएंगे मैं शूट नहीं करूँगा। तो भैया ये व्लॉग जो बन रहा है, ये बन रहा है मिनिमम सैलरी इन दुबई, ठीक है। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आपको एडवाइस करना है कि लोग यहाँ पे आए कैसे, आए क्या मिनिमम सैलरी होनी चाहिए कि यहाँ पे आए, तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या लोगों को एडवाइस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। अब्दुल हन्नान। कहाँ से हैं आप? यूपी। यहाँ पे कितना टाइम हो गया आपको? हमको 5 साल से ऊपर है। और कैसे आए आप? मैं आया था भाई के थ्रू। भाई के थ्रू मतलब किसी ने आपकी हेल्प की, कोई कनेक्शन बना आपका, तभी आप यहाँ आए। ओके ठीक है। तो यहाँ बेटर है या इंडिया में बेटर है? यहाँ बेटर है। कैसे? इंडिया में कुछ नहीं होता, कुछ बचता नहीं है, कुछ बचता नहीं। मैं जो है वहाँ पे जो है कि मेरी शॉप थी खुद की, तो हाँ। उसको सेल करके फिर दुबई आया। ओके ओके, तो आपको लगता है यहाँ बेटर सेविंग है? सेविंग कर सकते हो? मैंने सेविंग किया, बहुत कुछ किया यहाँ रह के। और आपकी पढ़ाई पूरी हो पाई? हाँ, वहाँ पे जो है पूरा हो करके फिर सीधे दुबई लैंड कर। पढ़ाई कर पाए आप अपनी लाइफ में? ग्रेजुएट करके फिर सीधे। ग्रेजुएट करके, ओके ठीक है। तो अगर कोई आपके जैसे आप आए हो, किसी ने आपकी हेल्प की, अगर कोई आना चाहे तो आप उसकी हेल्प करेंगे? हाँ, जब जरूर? आएगा जैसे हमसे कुछ जानकारी लेगा तो हम बताएगा उसको कि कैसे आए, जो भी रहेगा उसको मैं हेल्प करेंगे, जरूर करेगा। तो आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं लोगों को कि मिनिमम सैलरी क्या होनी चाहिए तभी यहाँ पे आने का डिसीजन ले? मिनिमम आपको 20,000 से स्टार्टिंग मिलेगा इंडियन रुपीस, और फिर बाद में एक्सपीरियंस होने के बाद आपका लाजिम इंक्रीज होता है। 20,000 इंडियन रुपीस कह रहे हैं, उतना अगर मिले तो आए। हाँ नहीं, वो तो 20,000 लाजिम मिलता है, कोई भी काम करेगा लाजिम। अगर सही काम मिला तो 30 आपको 40-50,000 50,000 आराम से मिलेगा, कोई मुश्किल नहीं। तो जिसमें आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी रहना एंड खाना? हाँ, रहना खाना A to Z सारा, जैसे सारे कंपनी का रोल की अकॉर्डिंग। और आप कैसे खाना मैनेज करते हैं अपना? नहीं, हम लोग का जो है क्योंकि सारा काम जो रहता है ना, जो भी रहता है ना कंपनी का पूरा A to Z, खाना नाश्ता पानी सब कुछ A to Z। ओके ओके। और ये शॉप यहाँ पे कब से है? ये शॉप हो गया इसको 40 साल। ठीक है। सो गाइस, ये भैया भी एडवाइस करें यहाँ पे आना चाहिए। और जो पहले मैं डेली व्लॉगिंग में आपको दिखाती थी, ये बन रहा है वो बन रहा है, वो सब यहीं से आता है। तो ये शॉप यहाँ पे 40 इयर्स पुरानी है, सेम इसी जगह पे। और बस थैंक यू भैया, थैंक्स फॉर योर टाइम। तो ये है हमारे प्रेस वाले भैया जो आयरन के लिए कपड़े सब लेके जाते हैं। आज मुझे गोली दे के भाग रहे थे कि मैं कल शूट कराऊंगा, कल करते करते 1.5 महीना कर दिया इन्होंने भी। तो ये भी उनमें से एक है जिनकी वजह से वीडियो लेट हुआ है। और हाँ, सो सबसे पहले अपना नाम बताइए भैया। सूरज। मैंने कपड़े नहीं दिए इनको अभी तक, मैंने कहा पहले वीडियो बनाओ फिर कपड़े दोगे। सूरज, आप कहाँ से भैया? उन्नाव। ओके। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे दुबई में? 3 साल। 3 साल हो गए। ओके, कैसे आए आप यहाँ पे? ज्यादा बेटर तो उधर है क्योंकि मैं उधर अपना ड्राइव भी करता था, गाड़ी भी चलाता था और भी काम कुछ कर लेता। यहाँ मेहनत ज्यादा है? मेहनत ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है यहाँ पे। 3 गुना इंडिया से अगर इधर किया जाए। बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, सच में आप इंस्पिरेशन हो हमारे लिए भी, हमें इतना काम करना चाहिए, हम नहीं कर पाते हैं। बट और अगर इतना है हम इंडिया में करें तो पैसे की कोई प्रॉब्लम यही है, तभी लोग यहाँ पे आते हैं कि वहाँ पे आपके काम नहीं। अगर उतना ही काम इंडिया में किया जाए जितना इधर होता है, करते हैं हम, कह रहे हैं कि एक भी कोई बंदा उधर से इधर नहीं आएगा। नहीं आएगा, प्रॉब्लम वही है ना, हम लोग वहाँ काम नहीं करते, घर की जरूरतें पूरी करने के लिए आते हैं अपने घरों को छोड़ के। बस वही चल रहा है। अच्छा, आप ये जो ब्लॉग बन रहा है, मिनिमम सैलरी इन दुबई बन रहा है, आपको क्या लगता है क्या मिनिमम सैलरी होनी चाहिए तो यहाँ पे लोग आए, क्या आप एडवाइस करेंगे लोगों से? कम नहीं तो इंडियन रुपीस में बता दो। इंडियन रुपीस में तो कम से कम 25,000 तो होनी चाहिए, कम से कम 25,000 प्लस रहना खाना यहाँ पे मिलना चाहिए, है ना।
ओके अगर आप जैसे लोगों को नहीं मिलता है ये हाँ हम लोगों को ये नहीं मिलता नहीं मिलता है 700 सैलरी है रहना खाता है अब बताइए बहुत कम है मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल समझ सकते हैं और एक चीज ये बताइए आप अपने खाना कैसे मैनेज करते हैं खाना तो बनाते हैं अच्छा से आप यहाँ आए आपकी हेल्प की किसी ने अगर आपसे कोई कहे कि मैं आना चाहता हूँ किसी की हेल्प करेंगे मैंने बोला मैंने बोला एक लोगों ने मेरे चाचा के चाचा है चाचा के लड़का है उनके चाचा उन्होंने बोला कि हम आना चाहते हैं तो हमने कहा अपना पासपोर्ट भेजो मैं बोला तो मतलब आप डेफिनेटली हेल्प करेंगे बहुत अच्छी बात है कि आपकी किसी ने की है अगर कोई इंक्वायरी पूछ रहा है क्योंकि पैसे से नहीं बट वैसे बहुत सारी हेल्प होती है हर एक चीज से आपको कभी मौका मिले तो आप जरूर करिएगा वही है बहुत सारे तरीके हेल्प करने के अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा अगर हमको अभी आपके यहाँ इस जो नई वाली बिल्डिंग है अभी मेरे से हम मनकुर में था तो मेरे से बोले कि भाई पाव खत्म हो गए हैं मेरे घर पे मेरे को पाव लेकर के दे मैं उधर से लेके गए अरे अरे कपड़े लेके आए वो क्या बात है भैया चलिए थैंक यू थैंक्स फॉर योर टाइम सबसे ज्यादा कीमती टाइम है लाइफ में तो आपने मुझे दिए आपके 2 मिनट थैंक यू सो मच अब मैं आपको कपड़े देती हूँ थैंक यू एंड गाइज अब मैं आई हूँ एक साइकिल शॉप पे ये शॉप नहीं खुली है तो मैंने सोचा क्यों ना इन भैया को भी व्लॉग में लिया जाए तो गाइज यहाँ पे देखिए साइकिल्स की वैरायटी मस्त बाइक्स भी हैं बहुत ही प्यारी वैरायटी देखिए एंड यहाँ पे है ये भैया सो भैया सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए जी नजा ये आप कहाँ से हैं पाकिस्तान से वेरी नाइस आपको कितना टाइम हो गया दुबई में दुबई में तो तकरीबन मुझे 6 साल हो गए 6 से 8 साल हो गए जी पहले दुबई इंटरनेशनल सिटी में चला हुआ अच्छा अभी इधर बर्थ में ओके तो यहाँ अच्छा लग रहा है आपको या पाकिस्तान में अच्छा था कहाँ बेटर लग रहा है वैसे तो क्या ना तो आदमी का घर तो जो आदमी को होता है वो घर होता है तो बैग पर मजबूरी होती है इंसान की तो अच्छी लगता है बिल्कुल सटीक जवाब दिया आपने कि मजबूरी है सही बात है और आप आए कैसे यहाँ पे दुबई में दुबई से पहले फर्स्ट टाइम तो पहले विजिट वीजे पे आया था okay. तो उधर चैनल वन में ट्राई किया मतलब आप यहाँ कैसे आए दुबई किसी ने हेल्प की या किसी के थ्रू आए बेटा था उसमें अच्छा उनके थ्रू आए ओके ओके तो आप लोगों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे जैसे कोई अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाया बेसिकली ये व्लॉग बन रहा है मिनिमम सैलरी इन दुबई तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कितनी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए कि लोग यहाँ पे आए कम से कम सैलरी लोग यहाँ पे आए अभी तो पहले से बहुत हर चीज महंगी हो गई है कम से कम आदमी की सैलरी जो है 3000 से लेके 2500 तक होनी चाहिए बिल्कुल सही बात है ओके सो थैंक यू फॉर योर टाइम बस ये व्लॉग बन रहा था मिनिमम सैलरी इन दुबई लोगों को बताना चाह रहे थे कि हेल्प हो जाएगी उनकी एक कोई लोग एजुकेशन अपनी नहीं पूरी कर पाए तो यहाँ पे काम की तो कमी नहीं है आपको पता है बट यहाँ पे उन लोगों की कमी है जो बेसिक काम होते हैं ना उन लोगों की कमी तो वो बेसिक काम आप लोग करते हो बहुत अच्छे से करते हो सो थैंक यू आपने मुझे अपने 2 मिनट दिए थैंक यू भैया सो गाइज आई रियली होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा खैर मेरे समझाने या मेरे बताने से भी पिक्चर क्लियर हो जाती बट उन लोगों का व्लॉग में आना मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा ज़रूरी था कि जिससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा एक आइडिया तो मिलेगा ही कि दुबई में जाके कैसे काम कर सकते हैं कैसे सेटल हो सकते हैं क्या सैलरी होती है बट एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं तो ये व्लॉग बनाने में मुझे 2 महीने इसलिए लगे क्योंकि मेरा एक माइंड सेट होता है जब भी मैं कुछ करती हूँ या व्लॉग बनाती हूँ कि ये ऐसा ही होना चाहिए तो अगर वो ऐसा नहीं होता है तो आई कैन वेट टू द इटर्निटी सो इसलिए मैंने वेट किया कुछ ना कुछ चल रहा था एंड ये लोग जो भी मेरे व्लॉग में आए हैं थैंक यू सो वेरी मच आपके 2-2, 3-3 मिनट भी बहुत कीमती आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि ये लोग गाइज 12 से 15 घंटे पर डे काम करते हैं और कभी कभी 18 घंटे भी जैसा कि वो प्रेस वाले भैया ने भी आपको बताया तो 18 घंटे काम करना उसके बाद कभी मेरे से मिलते थे मैं बोल देती थी मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए तो बोलते थे अभी नहीं हो पाए तो फिर मैं जाने देती थी इसलिए करते करते 2 मंथ्स हो गए बट फाइनली जैसा मुझे चाहिए था कि हाँ वो लोग व्लॉग में आए तो वो हो गया एंड फाइनली ये जो बाकी के शूट्स हैं ये अभी रिसेंटली लास्ट वीक में हुए हैं तो ये व्लॉग स्टार्ट हुआ था सोफे वाले भैया से जो कि 2 महीने हो गए उस शूट को बाकी के शूट अभी रिसेंटली हुए हैं सो थैंक यू सो वेरी मच आप व्लॉग में आए अपने अपने 2-3 मिनट मुझे दिए आई थिंक ये जो जो भी व्लॉग में आए हैं इन सब की महीने में एक ही छुट्टी होती होगी या कुछ की नहीं भी होती होगी
सो इस लेवल का आप हार्डवर्क कर रहे हैं यहाँ पे आके, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। एंड एक चीज़ जो आपने सुना होगा, मैंने व्लॉग में बोला कि यहाँ पे इंडिया से 3 गुना ज़्यादा स्ट्रगल है, वो बात 100% सच है, क्योंकि सबसे बड़ा तो आप अपना घर अपनों को छोड़ के यहाँ पे आ रहे हो। नॉट ओनली दुबई, इंडिया से आप कहीं भी बाहर जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो 3 गुना स्ट्रगल आपको करना ही पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ आपको वहाँ पे शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, काम ढूंढना पड़ेगा, अपने आप को सेटल करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको अपना मन लगाना पड़ेगा। इंडिया में तो होता है, हम अगर हमें नई समझ में आती है कोई काम तो हम चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है, और वर्किंग आवर्स भी बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा स्ट्रगल है डेफिनेटली। एंड गाइस, जैसा आपने देखा कि ये लोग किसी ना किसी थ्रू, किसी ना किसी कनेक्शन से यहाँ आए हैं। यहाँ पे आने का मतलब एक बार आपको समझ में आ जाता है, आगे आगे ऑप्शंस खुलते हैं, जहाँ अगर आपकी जॉब लगती है उसके बाद भी काफ़ी ऑप्शन खुल जाते हैं, उसके बाद आप काफ़ी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। जैसे सोफे वाले भैया ने यहाँ पे आके एक स्टार्ट किया, फिर अपना काम शुरू कर दिया उन्होंने, तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपकी हायरिंग इंडिया से होती है, मतलब इंडिया से आपकी बातचीत हो जाती है काम के लिए, तो आपकी जो सैलरी है वो INR में ही फिक्स रहेगी, कि आपको INR में ये अमाउंट मिलेगा, बट एटलीस्ट INR में 20,000 होना चाहिए। यहाँ पे जो भी आपको हायरिंग करेंगे तो वो हमेशा, ज़्यादातर ऐसे होता है कि कंपनी आपको अकोमोडेशन एंड फूड अलाउंस जो है प्रोवाइड कराती है, बट जो कंपनी नहीं कराती है वो आपको उसका कैश दे देती है, वॉट एवर द अमाउंट डिसाइडेड बाई द कंपनी फॉर द सैलरी, वो अमाउंट उसमें ऐड होके आपको मिलता है। एंड मेरा ये व्लॉग बनाने का मकसद यही था कि जैसा मैंने पहले बोला, कुछ लोग किसी ना किसी रीज़न की वजह से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, और इंडिया में या कहीं भी जहाँ भी वो रह रहे हैं उनको, और इंडिया में उनको अगर काम करने की दिक्कत आ रही है कि मैं क्या करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, मुझे अच्छी सैलरी नहीं मिल रही या घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, तो आप एक ये ऑप्शन देख सकते हैं, कोई ना कोई कनेक्शन निकाल सकते हैं, किसी ना किसी के थ्रू यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ पे आने का फ़ायदा ये है, जो भी आपकी सैलरी INR में डिसाइड होगी, मिनिमम 20,000 तो होगी ही, तो वो 20,000 से आपके जो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं वो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा अमाउंट आप सेव कर सकते हैं। जो भी आपको बुलाएंगे, ऑफकोर्स वो अकोमोडेशन फूड अलाउंस तो प्रोवाइड करेंगे, तो जो आपकी जो सैलरी है वो पूरी सेव हो सकती है। जिन जिन लोगों को मैं इस व्लॉग में लाई हूँ वो काफ़ी सालों से यहाँ पे हैं, और आई एम वेरी मच श्योर कि उन लोगों ने इंडिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी उनके घरों में यहाँ आने से पहले, वो सब सॉल्व हो चुकी होंगी, चाहे उनके भाई बहन की पढ़ाई हो, चाहे घर के खर्चे हों, चाहे माँ बाप की ज़रूरतें हों, तो यहाँ रह के स्ट्रगल करके पूरा दिन काम मेहनत करके वो पैसा पूरा इंडिया भेजते हैं ताकि उनके घर में कोई कमी ना आए। यहाँ आने का मकसद ही यही होता है कि हमारे जो पीछे लोग हैं, जो हमारे घर में लोग हैं, उनको कोई कमी ना आए। एंड फॉर लेडीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, लेडीज़ के लिए भी काम की कमी नहीं है। सबसे पहला और बेस्ट ऑप्शन है पार्लर का, आप पार्लर का काम सीख के यहाँ पे आ सकते हैं, एंड एक पार्लर की जॉब भी कर सकते हैं उनके साथ, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपका ऑफ हो। यहाँ पे काफ़ी लेडीज़ रहती हैं जो घर पे बुलवा के भी काम करवाती हैं पार्लर का, तो वो भी आपका एक एडिशनल इनकम हो जाएगी। अगर आप जॉब के साथ अलग से भी काम करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे मालिश वाली लेडीज़ भी बहुत हैं जो कि मालिश करती हैं घर पे जाके, जिनकी डिलीवरी होती है वो बेबी मसाज एंड मदर मसाज दोनों देती हैं, तो वो भी एक काम है। एंड कुकिंग का एक ऑप्शन है, अगर आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है और आप चाहते हैं कि हाँ मैं घर में अच्छे से खाना बना सकती हूँ, तो वो आप कर सकते हैं। एंड जो कपल वर्किंग है उनके बच्चों की टेक केयर के लिए वो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते हैं इंडिया से, कि किसी को हायर कर लें ताकि पीछे से घर की, खाने की और बच्चे की, ये सारे काम अच्छे से होते रहे। तो अगर आप एक अच्छा होम टेक केयर और बेबी टेक केयर कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए एक ऑप्शन है, प्लस कैश काउंटर का एक ऑप्शन है। एंड फॉर दोज हु इज हैविंग स्ट्रॉन्ग CV विद अ गुड एक्सपीरियंस, दे कैन स्टार्ट हेयर बिटवीन 4,000 to 5,000 dirhams, एंड जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है दे कैन डेफिनेटली स्टार्ट 2,000 or 2,500 dirhams, स्टार्ट कर सकते हैं। आगे आगे काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो आई रियली होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाए जो लोग काम की तलाश में हैं। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। हंसते रहिए, सबको हंसाते रहिए, टिल देन बाय बाय।